का। हम लोग रेडी हो चुके हैं, आज हम लोग खेलगांव की तरफ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो चलिए आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हम लोग कहाँ घूमेंगे आज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। गाइस इधर आप लोग देख रहे हैं, ये हीरोइन है हमारे यहाँ की, एक का नाम है परी और एक का नाम है रूही। मुझे तो आप लोग जानते होंगे, इसको तो जानते होंगे लड़की को आप। ये लोग हीरोइन बन रही है, आज एलोवेरा लगा रही है, देख रहे हैं आप लोग इनको कितना हीरोइन बनने का शौक है। और ये रूही के पापा ने उसको गिरा दिया था, तो बेचारी को कैसे चोट लग गया है, ज्यादा चोट लग गया रूही। और उधर मेरी बेटी भी उठ गई है सो के। तो हम लोग बाहर जाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं, ये मेरी पीयू को भी मैंने रेडी कर लिया है और बाकी सारे बच्चा पार्टी को भी आप लोग देख रहे हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं। ये रूही है, परी है, इसने अपना ड्रेस पहन रखा है। तो ये देखिए गाइस मेरी पीहू है, इसने हेलमेट पहना है। हम लोग अभी है झारखंड कला मंदिर के बाहर, यहाँ पे बहुत सारे डांस और एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है बच्चों को, जैसे कि ड्राइंग वगैरह सब कुछ। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं रूही का और उसकी मम्मी का, अब मेरी पीहू के आप लोग मस्ती देख सकते हैं। और उसके आगे उधर है जेल, गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, पुलिस वाली गाड़ी आ रही है। इधर पीयू पापा आईपीएल देख रहे हैं, जो कल नहीं देखा था इन्होंने, रात वाला भी देख रहे हैं। तो झारखंड कला मंदिर के अंदर आप लोग जैसे ही घुसिएगा गाइस, दोनों साइड में गार्डन है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं इसमें, कलरफुल, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स है। देखिए यहाँ पे वाइट, पर्पल, पिंक और ब्लू, सब तरह के फ्लावर लगे हुए हैं। और उस तरफ भी और भी गार्डन है आगे, पर हम लोग अभी फ़िलहाल अंदर जा रहे हैं, जो कला भवन के अंदर का भी मतलब बहुत अच्छा, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रखा है यहाँ पे कला भवन में। बाकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है यहाँ पे, फिर साल में एक बार प्रोग्राम भी होता है, जितने भी डांस वगैरह होते हैं वो सारे एक दिन, मतलब एनुअल फंक्शन टाइप का कोई फंक्शन होता है उसमें। और इधर मेरी पीहू भी चल रही है और हम लोग अंदर जा रहे हैं अब देखने के लिए। मैं पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ, इससे पहले जब यहाँ पे झारखंड का डांस हो रहा था, जो डमकच वगैरह गाना वाना भी सिखाते ना यहाँ पे, तो उसी टाइम पे मैं एक बार आई थी और उसके बाद अभी मैं दोबारा आ रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये रूम देख रहे हैं आप लोग, ये आर्ट रूम है, यहाँ आर्ट क्लास होता है और उधर जो सामने वो डांस क्लास होता है। तो डांस क्लास में यहाँ पे भरतनाट्यम और कथक, सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के डांस होते हैं वो सारे डांस होते हैं। और आर्ट रूम में भी मतलब कम फीस में अच्छा खासा सिखाते हैं। और उधर ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहीं से बात बात करने गए रूही के लिए भी, उसके पापा उसको भी कथक सिखवाएंगे। और ये आर्ट रूम है, इधर देखिए सारे बच्चे लोग नीचे बैठे हुए और टीचर्स आए, अभी तक आई नहीं है, तो जो जब टीचर आएगी तो उन लोगों को सिखाएगी बाहर, ये लोग जूता वगैरह निकाल के अपना। और इधर ऑफिस है और फिर इधर फिंगरप्रिंट वाला इन लोगों का अटेंडेंस है, जो आईडी कार्ड से इनका अटेंडेंस होता है। और काफ़ी यहाँ पे शानदार डेकोरेशन वगैरह हो रखा है, आप लोग देख रहे हैं पूरा टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है। और वेटिंग रूम भी है यहाँ पर, मतलब जैसे जिनके बच्चे सीखने आते हैं उन लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए यहाँ पर वेटिंग रूम बना रखा है। वहाँ पर पंखे वंखे लगे हुए, आराम से सब लोग वेट करते हैं। और इधर से ऊपर चढ़ के फिर और भी मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, बहुत तरह की एक्टिविटी होती है। ये रूही देखिए वहाँ देखने गई है, वो लोग जो डांस कर रहे थे उन लोगों को चुपके से देखने गई है। और इधर हम लोग फिर आगे जा रहे हैं, इधर हॉल एक बड़ा ऑडिटोरियम टाइप का, वहाँ पे जो एनुअल फंक्शन वगैरह, मतलब साल में जो फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन होते हैं। तो ये कला भवन मतलब काफ़ी बड़ा है वैसे, और देखने में भी सुंदर है, आप लोग देख ही रहे हैं वो तो, ये कितना सुंदर है। और हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किधर है जो इनका फंक्शन होता है ऑडिटोरियम। और मेरी पीयू को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इसको फ्रीली मिल गया, उतना भीड़ भाड़ वाला नहीं है, मीन्स सिर्फ बच्चे सीखते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल, शायद टाइमिंग है बच्चों का तो इसीलिए बच्चे सीखने आए हैं। और बाकी बड़ों का टाइमिंग थोड़ा चेंज होता है इसमें, टाइम के हिसाब से क्लासेज होती हैं। तो इधर भी और भी रूम है, इसके आगे भी, और इस दोनों तरफ तो आप लोगों ने देख ही लिया है, और इधर आगे भी रूम है। तो उधर आगे हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग इधर ही रहेंगे, बस वो जो ऑडिटोरियम है उसको बाहर से देखेंगे और फिर बाहर जाएंगे। मेरी पीयू बहुत मस्ती कर रही है, अकेले हो गई है क्योंकि वो दोनों भाई बहन एक डांस में चले गए और एक उसमें चले गए। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले और बाहर निकल के अब हम जा रहे हैं जेल की तरफ, जो झारखंड का होटवार जेल है वहाँ पर। तो ये रास्ता है जो कला भवन ख़त्म हुआ उसके बाद
इधर उसका बाउंड्री ख़त्म होता है और इसका बाउंड्री स्टार्ट होता है। तो अभी तो कला भवन का मतलब जो खिलगांव वाला बाउंड्री है वो अभी चल ही रहा है। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं ये जेल के पास में, और मेरी पीयू को आप लोग देख सकते हैं, मेरी पीयू कितना ज़्यादा खुश है अकेले चलने में, क्योंकि इसको हमेशा से ही खाली रोड ही पसंद है अकेले चलने के लिए। तो ये जितने भी पुलिस क्वार्टर्स है, जितने भी जेल में मतलब जिन लोगों की ड्यूटी होती है, वो लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे रहते हैं उन लोगों के रूम से। और यहाँ होली का दहन होने वाला है, तो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे उन लोगों ने पूरा प्रोग्राम कर रखा है। और ये इन लोगों का मंदिर है, पुलिस मंदिर, तो यहाँ पे भी हम लोग आए थे देखने के लिए। और ये क्वार्टर है इन लोगों का, परी लोगों का। तो हम लोग इनके क्वार्टर में ऐसे ही घूमने आए थे, क्योंकि हम लोग वो लोग दोनों चले गए क्लास करने के लिए, तो 2 घंटे का टाइम था, तो हमने सोचा अब क्या करें, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए पैदल पैदल। ज़्यादा दूर नहीं था इसीलिए, अगर दूर होता तो हम लोग गाड़ी से आते, तो फिर हम लोग पैदल पैदल आ गए। और ये देखिए इन लोगों का हॉल है, ये इधर छोटा सा किचन है, और इसमें तो लाइट भी नहीं, शायद लाइट जला रही है। ये किचन है इन लोगों का, और इधर 2 रूम है बड़े बड़े, तो इधर 2 रूम है। इधर देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये 2 रूम हैं इनके, एक रूम ये है, ये बड़ा सा रूम है, और इधर एक और रूम है। 2 रूम है इनके, एक हॉल और किचन लेटरिन बाथरूम। ये तो नॉर्मली सभी क्वार्टर्स में रहता है पर, और ये देखिए इधर इन लोगों का सामान भी रखा है, क्योंकि इन्होंने फिर इनके उसके बाद पीहू के पापा लोग इमली तोड़ रहे हैं, इन लोगों को इमली तोड़ना था, यहाँ पे बहुत सारी इमली लगी हुई है। तो ये रूही रिक्की जितने भी ये लोग सारे मिल के रूही पीहू ये लोग देखे कैसे डाल खींच खींच के इमली तोड़ रहे थे, और मैं तो सिर्फ देख के मज़ा ले रही थी और वीडियो बना रही थी। बाकी ये लोग सब इमली तोड़ के फिर उसका चटनी वटनी बनाने का इरादा था, तो इसीलिए इन लोगों ने इमली तोड़ी। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और ये है खेलगांव का स्टेडियम, देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा सा है, और काफ़ी बड़ा एरिया भी है इनका। तो पूरा खेलगांव के नाम से समझ रहे होंगे आप लोग कि खेल मतलब सब तरह का एक्टिविटी जो भी टोटल, तो वही वाला है। और इधर एक हो गांव भी इस तरफ। तो गाइस ये 4 लाइन है खेलगांव वाला, इधर से टाटी सिल्वे तरफ जाते हैं, और इधर हम अभी फ़िलहाल तो हम लोग बूटी मोड़ की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग गए हैं मिठाई की दुकान में पीयू को मिठाई दिलाने के लिए। पीयू की फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला वाइट वाला, तो वही हम लोग इसको दिलाने लाए हैं यहाँ पे। और एक रसमलाई भी ख़रीद लेते हैं पीयू के लिए, पीयू को रसमलाई भी बहुत पसंद है, तो हमने सोचा इसको दिला देते हैं, और फिर आप लोगों से घर में जाके मिलते हैं। हम लोग घर आ चुके हैं, और मेरी पीहू भी इधर खेल रही है मेरे पीछे, वो बाहर जाने का जिद कर रही थी पर मैंने उसको जाने दिए नहीं दिया, और इसके पापा भी चले गए हैं। और आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।